बहुत बहुत स्वागत है आज का इस वीडियो में दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के लिए जो बायोलॉजी ने जीव विज्ञान का पेपर होना है 29 तारीख आपको, उससे 20 ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो हर बार पेपर में आ रही हैं और लगातार मैंने 20 लेके आए हैं भाई। तो इसमें से आप ये मानिए कि पेपर में लगभग लगभग मैंने वही चूज किया है जो हर साल पेपर में आ रही है। शुरुआत से यानी एक चैप्टर से लेकर पूरा पूरा जो 13 चैप्टर तक आपका है वो पूरा लेकर आया हूँ। तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सारे इन पॉइंट्स को एक बार ध्यान से देख लेना कि ये आपके तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि ये हर साल आ रहे हैं, मैंने ये देखा है। ठीक है, तो आपके पेपर में इनमें से 2 से 4 आपको देखने को जरूर मिलेगा और हमेशा इनका ये रूल रहा है कि या तो 2 नंबर का आया है या फिर 3 नंबर का है, यानी 2 से 3 नंबर का ये जरूर आया हुआ है। चलिए बिना देर के फटाफट शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको जरूर से जरूर पेपर में तैयार करके जाना है। ठीक है भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपको मेहनत मेरी दिखती है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, नहीं तो मत करना। वीडियो को पूरा देख लो, आपके काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखें भाई, तो लिखा हुआ मैंने बहुभ्रूणता, तो आपको बहुभ्रूणता तैयार कर लेनी है, इस बारे में आपको ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद देखिए अनिषेक फलन दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भाई दोहरा निषेचन, क्या लिखा है दोहरा निषेचन। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो चौथा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है चिकित्सकीय सगर्भता, क्या लिखा है चिकित्सकीय सगर्भता, ये हो गया चौथा पॉइंट। आगे बात करें पांचवे पॉइंट की, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्या लिखा है भाई डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बाद। छठवां ऑप्शन देखिए मैंने लिखा है क्रोमैग्नॉन मानव, यानी कि क्रोमैग्नॉन मानव भी आपको टिप्पणी इस पर तैयार करके जानी है। सातवां पॉइंट मैंने लिखा हुआ है टीकाकरण, टीकाकरण भी आपको जरूर तैयार करके जाना है। उसके बाद एल्कोहल के दुष्प्रभाव क्या हैं, ये पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, यानी जो एल्कोहल है उससे क्या दुष्प्रभाव हैं, ये पॉइंट आपको जरूर तैयार करके जाना है। अगर बात करें आगे और नौवें पॉइंट की, तो ये लिखा हुआ बायोगैस पर टिप्पणी, तो ये बायोगैस पर टिप्पणी आपको जरूर तैयार करके जानी है। आगे उसके बाद दसवां नंबर देखें बीटी फसल, है ना, तो बीटी फसल भी आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद चलिए 11वें नंबर की ओर चलते हैं, ना देखते हैं भाई। बात करें अगर 11वें नंबर की, तो ये 11वें नंबर पे लिखा है मैंने जैविक खाद, जैविक खाद भी आपको क्या करना है तैयार करके जाना है। 12वें नंबर पे देखिए मैंने लिखा हुआ है बायो रिएक्टर, जी हाँ, तो बायो रिएक्टर भी आपको क्या करना है तैयार करके वहाँ पर जाना है। अगला 13वां नंबर की बात करें, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जीन चिकित्सा, क्या लिखा भाई जीन चिकित्सा, तो जीन चिकित्सा भी आपको क्या करनी है तैयार करके जानी है। आगे बात करें 14वें नंबर पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सहोपकारिता, तो ये सहोपकारिता भी आपको क्या करना है टिप्पणी इस पर तैयार कर लेनी है। 15 नंबर देखिए सहभोजिता लिखा है मैंने, सहभोजिता भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत बार। 16वां नंबर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर परजीविता, तो ये 16 नंबर तक परजीविता भी आपको तैयार करके जानी है। चलिए इसके बाद देखते हैं भाई, 17 नंबर पे लिखा हुआ है मैंने खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला भी आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद रेड डाटा बुक है ना, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद जीन चिकित्सा है ना, जीन हो गया। और उसके बाद 20वें नंबर पर बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जनन स्वास्थ्य, जी हाँ जनन स्वास्थ्य, तो ये हो गया। इनमें से स्टूडेंट्स ये अगर आप तैयार करके जाते हो, तो मेरा मानना है कि पेपर में इसमें से आपको 1 या 2 टिप्पणी तो कम से कम मिलेंगी ही, और मैक्सिमम अगर बात करूं तो 3 से 4 टिप्पणियां आपके हर शिफ्ट हर पेपर में, यानी 7 सेट जो बनेंगे उन 7ों के 7ों में मिलने वाली हैं। तो इनको भाई आप जरूर तैयार करके जाना, बिल्कुल भी इन्हें इग्नोर नहीं करना है। ये ऐसी टिप्पणियाँ हैं जो लगभग लगभग आपके हर बार पेपर में आ रही हैं, बिल्कुल भी इन्हें इग्नोर नहीं करना है। और इस बार भी मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतनी टिप्पणियाँ जितनी मैंने बताई है, अगर इतनी आप तैयार करके जाते हो ना, तो बिल्कुल पेपर में आपसे इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो इस बात को मेरे ध्यान रखना। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपकी आपको पसंद आई होगी, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा से चैनल को लाइक और वीडियो को जो है सॉरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।